का आपने लगाई है क्या विषय है और भारत सरकार को आपने उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है कोरोना से हुई मौतों को लेकर क्या कहना चाहेंगे देखिए लॉकडाउन को 46 डेज हो गए हैं इसके बाद भी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने कोई राहत पैकेज की घोषणा नहीं की है आम आदमी को किसी भी मामले में राहत नहीं मिली है केंद्र सरकार ने लॉकडाउन करने के बाद जो स्थिति बनी अव्यवस्थाओं के कारण और कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण जो भी मौतें हुई हैं इनको लेके मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक लेटर पिटिशन दायर की है उसमें ये रिलीफ मांगा है कि जितने भी लोगों की मौत कोरोना से हुई है या लॉकडाउन की अव्यवस्थाओं से हुई है उन लोगों को दस लाख रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा दिया जाए उनके समस्त कर माफ़ किए जाएं, एक साल का बिजली बिल माफ़ किया जाए एक साल का उनको राशन दिया जाए और उनके बच्चों की स्कूल फीस एक साल की माफ़ की जाए क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह से यह संक्रमण पूरे देश में केंद्र सरकार की गलती और राज्य सरकार की गलती से फैला है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है दूसरी बात मध्य प्रदेश में जो कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला उसके लिए जिम्मेदार वर्तमान की मध्य प्रदेश सरकार है शिवराज सिंह चौहान है उनके मंत्री हैं इस लेटर पिटिशन में ये भी मांग की गई है कि सरकार गिराने से लेकर बनाने तक जो लोग जिम्मेदार थे उन सभी को इसमें कोरोना फैलाने का अपराधी मानकर इनकी संपत्ति जब्त की जाए और उसका पैसा जब्त करने के बाद वो सारा पैसा इन पीड़ितों को मुआवजा के स्वरूप में बांटा जाए आप नाम राकेश सिंह यादव प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल